मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन तीन चीजों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि हमारी ये गांठ लाइपोमा की हो रही है या फिर वो गांठ बहुत ज्यादा हार्ड है तो वो किस चीज की गांठ बनती है, और थर्ड जो कि रिस्ट वाली एरिया में गांठें हो जाती हैं वो क्या होती है। ये वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम कितनी आसानी से इन चीजों को पहचान सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सोस्टोसिस क्या होता है। एक्सोस्टोसिस एक तरह की टर्म है जिसको स्पूर भी बोलते हैं, और इसमें जनरली जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है उसी की सरफेस से। तो पिक्चर्स के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या है, इसके बाद में लाइपोमा और उसके बाद में गैंग्लियोनिक सिस्ट। तो आप देखेंगे ये हमारी एड़ी है, नॉर्मली जो एड़ी होती है। अब इसमें से एक्सरे इस एड़ी का है तो ये जनरली इसकी सरफेस ऐसी होनी चाहिए थी नॉर्मल, बट आप देखेंगे इसमें एक नॉक से निकली हुई है, ठीक है। तो ये होती है कि थोड़ी सी बोन की ग्रोथ हो गई है इस वाले एरिया में, जिसकी वजह से पेशेंट को चलने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, टच करने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ी सी सूजन भी वहां पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सोस्टोसिस, या फिर हम इसको स्क्रू भी बोलते हैं ये जो है, ठीक है। एक पिक्चर आपके सामने ये लगाई है मैंने, इसमें आप थोड़ा और क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप बोन की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ये आप देखेंगे, ये आप देखेंगे। और नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा मैं पिक्चर क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारे पैर की एक्सरे है, तो ये उंगलियों की एक्सरे है। तो आप देखेंगे ये जो मिडिल फिंगर है यहाँ पे थोड़ी सी आपको व्हाइटिश कलर की ये वाली ग्रोथ दिख रही होगी, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा, तो ये भी एक्सोस्टोसिस है। ये बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप ये देखेंगे हील में ऊपर की तरफ भी हो सकता है, और ये हेड में भी हो सकता है। ये एक हेड का एक्सरे है, और इसमें आप ऐसे देखेंगे ये एक्सरे में यहाँ पे शो हो रहा है जहाँ पे एरो लगा हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये शो कर रहा है, राइट। बाकी ये हमारे मुंह के अंदर भी हो सकता है, आप इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पे हो रहा है। तो ये जो ग्रोथ हुई है ये वाली, ये मसूड़े के अंदर ग्रोथ है, बक्कल एक्सोस्टोसिस बोलते हैं इसको, तो ये वाली ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। ये भी एबनॉर्मल ग्रोथ है, बोन है की है, हार्ड है। चलिए ये हो गई है दोस्तों एक्सोस्टोसिस के बारे में। किसी अच्छे हड्डी रोग विशेषज्ञ जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं उनसे आप मिलिए इस तरह की कंडीशन के लिए। होम्योपैथी लेना चाहते तो आप कुछ समय होम्योपैथी भी ले सकते हैं, कुछ केस में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, आपको विदाउट सर्जरी आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। अगर ग्रोथ कम है, ज्यादा नहीं है, तो बिल्कुल कवर हो जाएगी, राइट। चलिए अब अगली हम बात करते हैं ये वाली की। ये है दोस्तों रिस्ट गैंग्लियोन, इसकी पिक्चर मैं आपको साइड में लगाऊंगा, जो मेरे पास केस चल रहे हैं तो इसकी पिक्चर मैं साइड में लगाऊंगा, वीडियो भी मैं इसका साइड में लगाऊंगा। ये मोस्टली ये वाली जो गांठें होती हैं रिस्ट वाली एरिया में बनती हैं, वो ऊपर भी बन सकती है और नीचे भी बन सकती है, और इसको हम दबाएंगे तो थोड़ी बहुत ही दबेगी, कुछ केस में हार्ड हो जाती है, बट ट्रीटमेंट देने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है। मैं वीडियोस लगाऊंगा अपने जो मेरे क्लिनिक में चल रहे हैं पेशेंट, उसकी वीडियो लगाऊंगा, और जो हेड एक्सोस्टोसिस चल रही है जो पेशेंट चल रहा है उसकी भी पिक्चर साथ में लगाऊंगा। तो वो छूने में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो जो गांठ है वो सर में भी हो सकती है जो एक्सोस्टोसिस है, बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, बिल्कुल मूव नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी अपनी जगह से, ठीक है। तो रिस्ट गैंग्लियोन है ये, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत लोगों को आज के समय हो रही है, देख रहे हैं आप ये जो स्वेलिंग आई है, इसको हम छू के देखेंगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं मिलती है, ट्रीटमेंट के बाद ही जल्दी से ठीक हो जाती है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसमें सबसे बढ़िया है, काफ़ी लोग इसको निकलवा भी लेते हैं, बट जो है टेंडेंसी कुछ लोगों में दोबारा बनने की होती है। तो पहले आप एक दो महीने ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं जाती फिर आप इसकी सर्जरी करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पैर में भी हो सकती है, मोस्टली हम देखते हैं हाथ में मिलती है, कुछ केसेस में हमें पैर में दिख जाती है, ठीक है। तो ये भी गैंग्लियोनिक सिस्ट है, ये लिक्विड इकट्ठा हो जाता है और कोई ऐसी बोन की ग्रोथ नहीं होती, इसका बोन से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ओके। ये आप देख सकते हैं निकल गई है। तो चलिए अगली हम बात करते हैं दोस्तों लाइपोमा की। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, शरीर में कहीं पर भी लाइपोमा हो सकता है, सर इवन सर पे भी हो सकता है, आपके शोल्डर्स में, आपके हाथों में, मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं बॉडी में, 200-300 भी हो सकते हैं। बहुत पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सारे मल्टीपल लाइपोमास होते हैं, तो खतरा इनसे भी कुछ नहीं होता, ये सॉफ्ट टिश्यू की जो फैट सेल्स होती हैं उसकी हमारी ये गांठें बन जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज में होती है,
और पेशेंट की जो लोकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दर्द कर रही है या फिर नहीं कर रही है। छोटा है तो आप इसमें ट्रीटमेंट ले लीजिए, मल्टीपल है तो उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है किसी भी पैथी में, और किसी ऐसी जगह जो दर्द करता है बड़ा है तो आप जाके उसमें किसी अच्छे सर्जन से सर्जरी भी करवा सकते हैं, और इससे कोई कैंसर का खतरा नहीं होता। ये नॉन मलिग्नेंट है, इससे नॉन कैंसरस डिजीज है। तो अगर आपको बॉडी में लाइपोमा है, सीधी सी बात है, तो वो आपका थोड़ा बहुत मूव जरूर करेगा, भले वो बड़ा है या छोटा है। आप उसको दबाएंगे वो ऐसे दर्द नहीं करेगा, बहुत जोर से आप उसको दबाएंगे तो वो दर्द करेगा, या किसी पेन वाले एरिया में है जैसे बैक वाले एरिया में है, जो प्रेशर वाला एरिया है उसमें वो दर्द करेगा, दबाने पे थोड़ा दबेगा, और ट्रीटमेंट से इसमें काफी लंबे समय में ट्रीटमेंट लेने से आराम मिलता है। तो सीधी सी चीज ये है कि ये वाली जो गांठें बनती हैं ये बनती हैं जब हमारी बॉडी के अंदर फैट सेल्स बढ़ जाती हैं, एडिपोज टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं, उस कंडीशन को लाइपोमा बोलते हैं। बहुत लोगों को ये समस्या हो रही है। सेकेंड जो डिजीज मैंने आपको बताई है ये है रिस्ट गैंग्लियोन या फिर फुट गैंग्लियोन हम इसको बोल सकते हैं। एक तरह की सिस्ट बनती है, उसके अंदर लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, और इन तीनों में हम देखते हैं ना तो सबसे आसानी से यही प्रॉब्लम ठीक होती है। बहुत जल्दी 1-2 महीने में पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल देखने में हो जाती है। और इन तीनों के पेशेंट मेरे पास चल रहे हैं, ठीक है, लाइपोमा के भी, रिस्ट गैंग्लियन के भी, और ये जो एक्जोस्टोसिस होती है भले वो हेड में या किसी बोन में है, तो जहाँ पे छोटी होती है एक्जोस्टोसिस वो जल्दी ठीक हो जाती है, बोन स्प्रू भी बोलते हैं उसको। तो आप देखेंगे कि ये जो बोन वाली ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, और छोटी है तो वो होम्योपैथी से ठीक हो जाती है ट्रीटमेंट लेने से, बड़ी है तो उसमें कई बार सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ आप लोग आसानी से समझ गए होंगे तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस अगर आपको चाहिए डिफरेंशिएशन करने के लिए तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा जो डिजीजेस होती हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, कि उसमें आप कैसे आप अपने आप से सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी आपको फिजिकली एग्जामिनेशन करके आपको बताएंगे कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, बाकी जहाँ पे सस्पेक्ट होता है, डाउटफुल होता है, वहाँ पे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवाई जाती है। आज का वीडियो दोस्तों ये बस यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। सिकाई करने से क्या और डिजोल्व हो जाती है और कम हो जाती है? सिकाई भी कमी हुई है बेकार, मैं यही कहूँ। मैं दिन में एक ही बार की है, जो कि सब बोल रहे थे 2-3 बार का, मैं किया ही नहीं। जैसे इसके आपने कुछ वो कराई हो, सीटी स्कैन या एमआरआई नहीं वगैरह सर, कुछ नहीं कराया? क्योंकि नहीं हार्डनेस है इसमें, लाइपोमा तो है नहीं है। लाइपोमा समझते हैं आप? जी सर, जो सॉफ्ट होता है। जो सॉफ्ट वाला होता है, जो चर्बी की होती है।